अभी 14 अगस्त तक सेबी को समय दिया गया है अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए, उसके बाद क्या होगा हमें पता नहीं है, पर यह शुरुआत है पारदर्शिता की ओर में। जो पारदर्शिता 2018 और 2019 में खत्म किया गया था, कुछ चुने हुए पूंजीपतियों के फायदे के लिए, वो अभी हमारे हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला के कारण, सुप्रीम कोर्ट के विशेषज्ञों की समिति के कारण, अभी सेबी ने अपना रवैया बदला है और अभी उन्होंने संकेत दिया है कि ये नियम फिर से हम बदल सकते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये नियम भविष्य से लागू होगा कि ये नियम पिछले 4-5 साल में जो पूंजी निवेश आया है हमारे शेयर बाजारों पे, उस पर भी लागू होगा कि नहीं, उस पर बहुत बड़ा सवाल है। असली सवाल जो है 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनियों में निवेश किया गया है उसके मालिक है कौन। तो साथियों, ये जो बुकलेट है अंग्रेजी में है, हिंदी में है और अन्य भाषा में भी है। ये 100 सवाल जो हमने 3 महीने में पूछे थे, इसका एक ही मकसद था कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी सीमित तरीके से जांच कर पाएगी। मोडानी घोटाले के बारे में अगर आपको सच्चाई जाननी है तो सिर्फ जेपीसी ही, जेपीसी के रास्ते से ही आपको पूरी सच्चाई बाहर निकलेगी। इसीलिए हमने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर जेपीसी की मांग की, और जब मॉनसून सत्र आएगा हम नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में बैठेंगे, तब भी पहली मांग जेपीसी की ही होगी। ये मांग से हम पीछे हटेंगे नहीं। सभी विपक्ष पार्टियां एक हैं, एकजुट होकर इस मोडानी मामले में जेपीसी का गठन, इस पर हम दबाव सरकार पर बरकरार रखेंगे।